Hello and welcome to ASP channel. My name is Mukesh Yadav. आप सभी लोगों का ASP channel पे फिर से स्वागत है. हम लोग discuss कर रहे हैं agriculture engineering का. आज हम fifth part discuss करने जा रहे हैं. कल जो हमने part discuss किया था वो पार्ट ऑफ इंजन और वे कैसे ये वर्क करते हैं उस पर हमने डिस्कस किया था. उससे फर्स्ट पहले वाले की बात करें, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में डिस्कस किया था. उससे अगर लास्ट की हम बात करें तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं. आज कुछ जो पार्ट्स बच गए थे मेजरमेंट्स के, पावर कैसे मेजर करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पे किस तरह पावर मेजरमेंट की जाती है, उसको क्या टर्म दिया जाता है या क्या कहा जाता है. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेटेड पावर. हाँ, आवाज़ आ रही है क्लियर? सब लोग मैसेज कर दीजिए. कल हम जो डिस्कस करने जा रहे थे उसके बारे में वर्बली एक बार देख लेते हैं. ये हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर के बारे में डिस्कस किया था. इसके बाद में हमने डिस्कस किया था BHP, इसके ब्रेक हॉर्स पावर. फिर हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन हॉर्स पावर के बारे में, जो FHP. तो सब हम बात इसकी कर रहे थे FHP या IHP की अगर बात करें. इसके अलावा अगर BHP की बात करें, कौन से पॉइंट पे इसको टर्म या डिनोट किया जाता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, तो वो पार्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था. ड्रॉबर हॉर्स पावर इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे. हमने इंजन को भी डिस्कस कर लिया था. लास्ट हमने जो डिस्कस किया था कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मूले को हमने डिस्कस कर लिया था. हाय हाय पुष्पेंद्र, हाय. ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की. यहाँ अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. अगर सेकेंड बात करें प्लान के, प्लान जो प्लान की फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. लास्ट जो चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया था, प्लान की फुल फॉर्म PL किसको डिनोट करता है, A किसको डिनोट करता है, और ये कैपिटल जो N और जो स्मॉल N है वो किसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो इसके कुछ पार्ट बचे हुए थे. कैसे मेजर करते हैं, किस चीज़ को मेजर करते हैं, IHP को कैसे मेजर किया जाता है. हमारे पास अगर कैलकुलेट डेटा दे दिया जाए, हमारे पास में अगर एग्ज़ाम में या क्वेश्चन फ्रेम करके डेटा दे दिया जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. मान लीजिए डेटा BHP दे दिया, IFHP दे दिया, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ये हमने डिस्कस किया था. फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, IHP इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, एंड देन FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर, एक अपने और किया था ड्रॉबार हॉर्स पावर. तो इसमें से अगर कोई भी डेटा हमें दे दिया जाए, दो का अगर डेटा दे दिया जाए और थर्ड का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं. यहाँ पे बात करें, हम बात करें IHP की, हम बात करें IHP की, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें IHP, जहाँ से पिस्टन पे जो पावर जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर. वही पावर अगर जनरेट होने के बाद में क्रैंक सॉपर्ट के एंड पॉइंट पे जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है. और ब्रेक हॉर्स अगर वही पावर जो पीछे किस पे जो लोड होता है, या ये कह सकते हैं इसके जो फ्रिक्शन होता है, जैसे बेयरिंग वगैरह चलते हैं, या एक जो पावर, एक जो पिस्टन होता है वो पावर जनरेट कर रहा है, सेकंड वाला पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उस टाइप भी तो पावर यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है. उस पावर को जो कंज्यूम होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन हॉर्स पावर. एक होती है क्या, ड्रॉप और हॉर्स पावर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. तो वो एंड पॉइंट पे जहाँ पे ड्रॉप और होती है, बैक साइड में जहाँ लिफ्ट उठाई जाती है, जो मेन पावर ट्रॉली वगैरह हम यूज़ करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ड्रॉप और हॉर्स पावर. तो ये फॉर्मूलाज हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी पावर को. अगर दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए ये कितना है IHP, हमने कल भी डिस्कस किया था 100 कितना है IHP, BHP कितना हो जाता है, एंड अगर क्रैंक सॉपर्ट के एंड पे 9 डेटा क्या होता है 9, अगर इन पे से निकाला जाए IHP तो BHP प्लस IHP अगर निकाला जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये क्या इतना हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हॉर्स पावर. FHP 90 कितना क्या है, BHP
और 100% तो हमें पता है कि कम जो पावर फर्स्ट में जनरेट होती है उसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। ये फॉर्मूला है, अगर हम निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में फिट करके इसको निकाला जा सकता है। आप वैसे भी मास्टर्स में हो, यूजी हो आप कर रहे हो, तो बिल्कुल आप इजी है, निकाल सकते हो। कुछ टर्म और हैं जिनको वो डिस्कस कर लेते हैं, जो इंजन से पार्ट्स के अगर हम बात करते हैं या पावर के रिलेटेड जो टर्म की बात करते हैं, फिर आज के जो चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ फार्म एनर्जी, तो उसकी बात करते हैं। चलिए पहले इस पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर पावर मेजरमेंट, कौन सी पावर मेजरमेंट को, कौन सी वाली पावर मेजरमेंट को, जो पावर इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर की अगर हम बात करते हैं, IHP को अगर कैसे मेजर करते हैं या किसी पावर को कैसे मेजर करते हैं, उसमें कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, डायनेमोमीटर, किससे पावर को मेजर किया जाता है, डायनेमोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, डायनेमोमीटर यहाँ ने है, डायनेमोमीटर है। सेकंड अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर, तो क्या लगाना है आपको, ब्रेक हॉर्स पावर है तो ब्रेक्स डायनेमोमीटर, यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर BHP को क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेक डायनेमोमीटर। अगर हम किसको मेजर कर रहे हैं, ड्रॉबार हॉर्स पावर, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉबार डायनेमोमीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, कंटिन्यू कमेंट करते रहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्मल इफिशियंसी। कल किसी पर्सन ने पूछा था थर्मल इफिशियंसी, और कल भी हमने डिस्कस किया था, सर डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होती है या पेट्रोल की थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कल ही बोला था कि हर चीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो डीपली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं थर्मल इफिशियंसी की। थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, सबसे पहले थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, डेफिनेशन की बात करें, द रोटेशन द रेशियो ऑफ द हॉर्स पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन एंड द फ्यूल हॉर्स पावर। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन को छोड़िए, बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है उसकी, तो ये है थर्मल हॉर्स पावर की अगर हम बात करते हैं, किसकी, पेट्रोल इंजन के थर्मल हॉर्स पावर की बात करें तो कितना होगा, 25-32%, कितना हो जाएगा, 25-32%, किसका होता है, पेट्रोल का होता है, इसका मतलब कम किसका हुआ, पेट्रोल का कम हुआ है, तो फिर ज़्यादा किसका होता है, डीजल का ज़्यादा होता है, डीजल का कितना होगा 32, इससे ज़्यादा, इससे जब 32 तक किसका एंड हो जाता है, पेट्रोल का, तो डीजल का क्या होगा, 32-38% किसका हो जाएगा, डीजल इंजन का हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है आकाश, समझ में आ रहा है पुष्पेंद्र, कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या होता है इफिशियंसी, ये क्या होती है। ठीक, हम बात कर, दोनों पॉइंट नोट डाउन करना है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये अब बात की जाए मैकेनिकल इफिशियंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कैसे मैकेनिकल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करते हैं या मेजर करते हैं, तो आप पे देख सकते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी कैसे मेजर की जाती है, BHP इसमें अगर किससे डिवाइड करेंगे, IHP से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है मैकेनिकल इफिशियंसी को किस में मेजर किया जाता है, तो कौन बताएगा मैकेनिकल इफिशियंसी को किस में मेजर किया जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर में, केजी में, परसेंटेज में, किस में मेजर किया जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे, किस में जो हमारा डेटा रहता है, मेजरमेंट होता है, वो किस में मेजर किया जाता है, तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या फिर परसेंटेज में, किस में रखा जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये क्या, इसका अगर फॉर्मूले को किसी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा, BHP दैट मीन्स ब्रेक हॉर्स पावर, IHP का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, IHP इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, तो जल्दी कर कमेंट करके बताइए किस में होगा ये, किलोग्राम, किलोमीटर, परसेंटेज, जल्दी बताइए, MM मीटर में होगा, आकाश, अच्छा आकाश ने पहले से ही बताया था,
परसेंटेज में, बिल्कुल ये परसेंट में होगा। किस में होगा? देखिए, अगर कहीं जिसके सामने मल्टीप्लाई में 100 है, इसका मतलब वो परसेंटेज में ही होगा। हमेशा परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज में किसी को निकालते हैं, बिल्कुल अश्विनी बिल्कुल परसेंट में होगा। तो अगर किसी को 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, परसेंट में उसको। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैकेनिकल इफिशियंसी को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, तो परसेंटेज की यूनिट में मेजर किया जाता है। ये बात करते हैं कि किसको, पेट्रोल और डीजल को एक नंबर होता है किस टाइप का, जिसमें अगर कुछ मिला हुआ है या उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग एक नंबर से होता है। नंबर क्या होता है? उसको मेजर करने के लिए या इसके ग्रेडिंग देने के लिए किस ग्रेड का होता है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टेन नंबर होता है, एक C10 नंबर होता है। दो नंबर होते हैं, ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ऑक्टेन नंबर याद रखिए, ऑक्टेन नंबर मैक्सिमम यूज किसके लिए किया जाता है? पेट्रोल। वैसे तो ये फ्यूल के लिए किया जाता है, दोनों फ्यूल के लिए किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस में यूज किया जाता है? पेट्रोल को क्या करने के लिए, मेजर करने, मेजरमेंट ऑफ नॉक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, पेट्रोल का, मैक्सिमम पेट्रोल में किया जाता है। मैंने यहाँ पे फिर से नोट डाउन किया है, फ्यूल में इसको यूज़ किया जाता है। किसके लिए? फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑक्टेन नंबर फ्यूल के लिए किया जाएगा। सेकंड बार करते हैं, C10 नंबर द इंडिकेशन ऑफ इग्निशन। इग्निशन मतलब होता है उसका जलना, उसमें कितनी पावर जनरेट हो रही है, उसकी पावर जो जनरेट होने की क्वालिटी होती है उसको मेजर किया जाता है, फ्यूल को मेजर किया जाता है। अगर मोस्टली हम बात करते हैं, ये किसको रेटेड करता है? मोस्टली ये रेटेड करता है डीजल को, डीजल फ्यूल को रेट करता है। तो ये पूछ लिया जाए मैक्सिमम जो डीजल को किस नंबर से या किस इंडिकेशन से डिनोट करते हैं, वो होता है C10 नंबर। एंड ऑक्टेन नंबर से क्या, पेट्रोल को हम डिनोट करते हैं। इसकी इग्निशन इफिशियंसी को फाइंड आउट किया जाता है या इसको डिनोट किया जाता है। हम बात करते हैं पार्ट्स की, अगर हम बात करें एक क्लच जो पार्ट होता है, इसके इंजन का जो पार्ट होता है, ये तो मेजरमेंट की हम बात कर रहे थे, लेकिन मेजरमेंट को के बीच में पार्ट हम किसको डिस्कस कर रहे थे, पार्ट्स को डिस्कस करते हुए आ रहे थे अभी तक, कौन कौन से पार्ट, फ्लाई व्हील हो गया, इसके अलावा और भी पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसके जो एक पार्ट बचता है वो कौन सा, दो पार्ट और बचते हैं, क्लच और डिफरेंशिएट यूनिट। ये फाइनल लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, क्लच क्या होती है और डिफरेंशिएट यूनिट क्या होती है, ये दोनों का काम क्या होता है। क्लच आपने बाइक में भी देखा होगा, एक साइड में क्लच का क्लच होती है, और डिफरेंशिएट यूनिट किस में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। डिफरेंशिएट यूनिट किस में देखने को मिलेगी, ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। क्या होती है ये, सबसे पहले बात करते हैं क्लच की। क्लच का काम क्या होता है, कनेक्ट करता है या डिसकनेक्ट करता है किसको, पावर ऑफ ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर इंजन की जो पावर होती है ट्रांसमिशन गियर और ड्राइव व्हील में। देखिए क्लच ट्रैक्टर के कौन सी साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है या राइट साइड में होती है, क्लच बताइए, जल्दी बताइए, क्लच कहाँ पे होती है, बाइक के और ट्रैक्टर के कौन से साइड में क्लच होती है, जल्दी करके कमेंट करके बताइए क्लच कहाँ होती है। हम डिस्कस करते हैं इसको, तब तक डिफरेंशिएट यूनिट को, किस साइड में होती है क्लच, ट्रैक्टर के या बाइक के या किसी को, अगर पार्ट एक ही डायरेक्शन में होती है, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे ट्रैक्टर हो। यहां बात करते हैं उससे पहले डिफरेंशिएट यूनिट की। डिफरेंशिएट यूनिट का मतलब आपने देखा होगा ट्रैक्टर को चलते हुए, सभी ने देखा होगा, जब ट्रैक्टर हैवी लोड होता है, हैवी लोड के बाद में क्या होता है, ट्रॉली या उसके पीछे लगी हुई है, या कल्टीवेटर उसके पीछे लेफ्ट साइड में, आकाश बिल्कुल बिल्कुल राइट, और कोई कमेंट करते रहिए कि कौन से, अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के दोनों टायर आपने देखे हैं एक साथ में, कभी कभार क्या करता है, एक टायर राउंड मार रहा है बहुत स्पीड से, जब कहीं पे फंस जाता है, इस कौन सी कंडीशन में, या तो कहीं पे फंस गया, या ये कह सकते हैं पीछे फंसता कहाँ पे, या तो उसके पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ होगा तो उसको ज़्यादा गहराई तक हमने डिप कर दिया, या ये कह सकते हैं हैवी लोड होता है, ट्रॉली वगैरह में लोड होता है, उस कंडीशन में टायर, एक टायर तो वहाँ पे फंसा हुआ रहेगा, दूसरा टायर राउंड करता हुआ रहेगा बहुत स्पीड से, वो किसकी वजह से होता है, यहाँ डिफरेंशिएट यूनिट की वजह से होता है। तो इसका मोस्ट वर्क क्यों होता है, क्यों दोनों को एक साथ में क्यों कनेक्ट करके नहीं रख सकते, दोनों को एक साथ में क्यों नहीं चल सकता ट्रैक्टर के, ये भी तो कर सकते हैं, दोनों टायर एक साथ में भी वर्क करें।
तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रैक्टर राउंड जब मारता है, जब घूमता है ट्रैक्टर को, हम स्टेयरिंग को घुमाते हैं, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक जो टायर होता है वो धीरे काम करे, दूसरा टायर स्पीड से काम करे। एक एक जगह पे रुक जाता है, दूसरा क्या करता है, स्पीड से राउंड मारकर आता है, इसीलिए ट्रैक्टर घूमता है। बिल्कुल दीपक, लेफ्ट, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंशिएट यूनिक काम में आती है ट्रैक्टर, अदरवाइज दोनों एक साथ में होंगे तो घूमने में प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे दिक्कत करेगा, हैवी अगर पावर यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएट यूनिट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, परमिट करता है किसको, जो पीछे के टायर होते हैं, एक टायर को ज़्यादा रोटेट होने को, एक टायर ज़्यादा घूम सकता है स्पीड से, एक टायर कम स्पीड से, दोनों टायर को जिसको जो जरूरत होगी वो अपने स्पीड से घूम सकता है और कम हो सकता है। कंट्रोल नहीं पता, किसका कंट्रोल नहीं पता आकाश, किसका कंट्रोल, ठीक है, किसका कंट्रोल नहीं पता, हम बता देते हैं। तो इसका, इसकी अगर बात करते हैं डिफरेंशिएट यूनिट की, बात करें कंट्रोल किसका, कमेंट करके बताइए किसका कंट्रोल नहीं पता। यहां हम बात करें तो दोनों टायर के बीच जो टायर के में यूज होता है डिफरेंशिएट यूनिट, कहां पे यूज होती है, रियर वाले टायर में। यहां पे मैंने नोट डाउन भी किया है, रियर व्हील्स ये क्या करता है, परमिट, इट परमिट्स वन ऑफ द रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर टू रोटेट स्लोवर एंड फास्टर देन वन अनदर व्हील्स को। एक जो व्हील है वो फास्ट मूव करेगा या रोटेट करेगा, दूसरा वाला व्हील धीरे रोटेट करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट यूनिट का वर्क क्या होता है, डिफरेंशिएट यूनिट का वर्क क्या होता है, ये ट्रैक्टर में यूज होता है, वर्क यही होता है, ये परमिट करती है या किसको अलाउ करती है, एक टायर ज़्यादा घूम सकता है, दूसरा कम घूम सकता है, तो दोनों में से किसी को ज़्यादा और किसी को कम घूमना है तो यही अलाउ करती है। यहाँ पे आजकल जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें एक वो क्लच, वो सिस्टम और आ रहा है, पावर सिस्टम आता है, दोनों को एक पावर को उठा दिया तो दोनों टायर एक साथ में काम करते हैं, लेकिन वो कब करवाना होता है, जब ट्रैक्टर फंस गया या हैवी लोड है, दोनों टायर एक साथ में काम करवाने हैं अभी उसको, तो हैवी जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें एक पुलिंग सिस्टम आता है। हाँ, हैवी लोड में क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लच में, देखिए क्लच का क्या काम होता है, क्लच का काम होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्लच को, वह क्या होता है क्लच का, हमने डिस्कस किया था, सबसे फर्स्ट ये होता है उसका सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में से ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन से कनेक्टेड होता है रोड से, ये किससे, इसको अगर बात करते हैं तो क्या है, इसको कहते हैं पिस्टन, ये क्या होगा सिलेंडर, ये क्या हो जाएगी इसकी कनेक्ट, वो हो जाएगी रोड, जिसको क्रैंक सपोर्ट बोलते हैं, ये कनेक्टिंग रोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग सॉफ्ट, ये क्या हो जा, क्या है कनेक्टिंग सॉफ्ट, यहां जगह जगह पे कनेक्टेड है, क्या पिस्टन कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग रोड से। अब यहां क्या लगा होता है, इसमें फ्लाईव्हील लगा होता है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील के बाद में या तो जो भी सिस्टम लगा होता है, गियरबॉक्स कह सकते हैं इसमें, ये कह सकते हैं गियरबॉक्स लगा होता है, तो फ्लाईव्हील और गियरबॉक्स के बीच में इनका जो इंजन तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन यहाँ इसके सिस्टम को जो मूवमेंट कर रहा है या जो कनेक्टेड है पीछे वाले टायर वगैरह के या गियरबॉक्स में जो कनेक्टेड है उसको सेपरेट कर देता है, आपस में कनेक्टेड है। क्लच को हमने जैसे ही क्लच को दबाया या तो बाइक की क्लच को दबाते हैं, इंजन तो रोटेट करता रहता है, क्रैंक शॉपर तो रोटेट करती रहती है, लेकिन राकेश कोरोना से डर लग रहा है, अंदर बैठे हुए भी कोरोना से, कोरोना कर क्या रहा है, आप बाहर मत निकलनी है ना, फिर कोरोना क्या कर लेगा आपका, बाहर मत निकलिए, जो कोविड पॉजिटिव है उससे तो मिलना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो बाकी डर किस चीज का है, महीने पिछले टाइम भी हुआ था, पिछले ईयर भी कह सकते हैं, तो 2 या 3 महीने में सब ठीक हो गया, उसके बाद फिर से रेगुलर वर्क स्टार्ट हो गए, इस बार भी जल्दी हो जाएंगे, 1-2 महीने 2-3 महीने में सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम भी वही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट लाइफ वैसे ही होने वाली है, तो डर किस चीज़ का होना जी। गुड इवनिंग जानवी, इतनी लेट आ रहे हो आप या फिर जा रहे हो, यहाँ पे तो जिस इसको
फ्लाईव्हील को और पीछे जो गेयरबॉक्स होता है उनको डिसकनेक्ट करने के लिए, जो इनको अटैच हो जाते हैं या पीछे वाला सिस्टम वर्क कर रहा है आपस में सेपरेट करने के लिए, वर्क जो इस राउंड को क्या होता है सेपरेट करने के लिए क्लच का यूज़ किया जाता है, चाहे वो बाइक की क्लच हो, चाहे वो कार की क्लच हो और चाहे वो ट्रैक्टर की क्लच हो। लेफ्ट साइड में जो हम पैर से यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर से दबाते हैं, कार में भी लेफ्ट साइड का जो पैडल होता है उसी को क्लच होता है, बाइक में लेफ्ट साइड का हैंड्स में जो स्टेयरिंग में यूज़ करते हैं वो क्लच होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनका जो इसका कनेक्शन है किसका, क्रैंक सॉकेट का जो कनेक्शन होता है उसको अलग करने के लिए। कोई बात नहीं, आज हुआ तो, हाँ समझ में नहीं आएगा ना फिर, और कोई बात नहीं, आज लेट हो गए तो कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभार चलता है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्लच की, हम बात कर रहे थे इट कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है, या तो कनेक्ट करता है या क्या करता है डिसकनेक्ट करता है पावर ऑफ ट्रैक्टर इंजन की। तो मैंने यह ट्रैक्टर इंजन क्योंकि मोस्टली हम ट्रैक्टर के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, अदरवाइज ये इंजन के पार्ट को या तो जो इंजन की जो पावर होती है या तो कनेक्ट करता है या डिस्कनेक्ट करता है। किसका काम होता है, क्लच का। क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्लच का वर्क क्या होता है तो भी आप बता सकते हो, इंजन की पावर को कनेक्ट, इंजन की पावर को जो बैक साइड में जो भी पावर जनरेट वो होता है, व्हील लगे होते हैं या ट्रांसमिशन गियर होता है या व्हील लगे होते हैं या ड्राइव व्हील होता है, जो भी पीछे इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पावर को या तो कनेक्ट करना या डिसकनेक्ट करना। या क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम किया जा सकता है, कनेक्टिंग करना और जैसे रियर व्हील को कनेक्ट करना या ट्रांसमिट जो सिस्टम होता है, ट्रांसमिट सिस्टम कौन सा होता है, पीछे जो गियर सिस्टम होता है उसको कनेक्ट करना या डिसकनेक्ट करना किसका काम होता है, तो क्लच का काम होता है। ये पूछ लिया जाता है, एक टायर रोटेट होना, एक जो रियर व्हील होता है उसका रोटेट होना, दूसरे का कम रोटेट होना और एक का ज़्यादा रोटेट होना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये परमिशन किसके द्वारा दी जाती है, वो किसके द्वारा दी जाएगी, डिफरेंशिएट यूनिट की। डिफरेंट मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग स्पीड से घूमना, इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएट। बिल्कुल आजकल के जो ट्रैक्टर होते हैं हैवी पावर वाले, वहाँ पे ये बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पुलिंग एक सिस्टम होता है जो आपस में दोनों को एक साथ में राउंड करने के लिए काम में आता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ गया तो यस यस कीजिए जल्दी। पीटीओ कनेक्ट करता है, हाँ पीटीओ को भी ये कनेक्ट करता है, पीटीओ को जो कनेक्ट करता है, आप वो गलत बोल रहे हो, जो पीटीओ को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, गलत ये चीज़ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा पीटीओ को कनेक्ट करता है, साइड से गियर उठाना पड़ता है हमें क्लच दबाने के बाद में, पीटीओ क्या होता है, एक बार ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं अपन। आप लोग देख रहे होंगे पीटीओ, पीटीओ यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए यह हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, लेफ्ट साइड में गियर होता है, पुराने जो ट्रैक्टर होते थे उसमें उसको उठाना पड़ता था, तब थ्रेसर वगैरह चलती है, वो पीटीओ का, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। एक होता है जैसे हल वगैरह उठाते हैं, पीछे ट्रॉली अपने आप प्रेशर से उठती है, वो क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम से उठता है, उसमें ऑयल होता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पाइप होती है, ऑयल पाइप होती है, उसके थ्रू होता है ये ऑयल वगैरह। या लिफ्ट सिस्टम उठता है, वो भी किसके थ्रू उठता है, हाइड्रोलिक रिमोट सिस्टम से उठता है, या ये वर्क करते हैं किसके थ्रू उठते हैं। क्लच का काम क्या होता है, क्लच जो गियर बॉक्स होता है, बीच का जो गियर डालते हैं, या फिर ट्रैक्टर का या कार का जो गियर होता है उसका, ये कह सकते हैं ये वाला ट्रैक्टर आगे वाला इंजन, देखिए मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे पेन यूज कर लेता हूँ चेंज, यहाँ से देख रहे हैं इसी जगह पे क्लच का काम होता है, ये तो वाला सामने वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट कौन सा हो गया आगे का, इसमें क्या होता है, यहाँ क्रैंक सॉकेट होती है, क्रैंक सॉकेट होगी, इस वाले पार्ट को जो बैक में या गेयर बॉक्स आता है या टायर वगैरह ये होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ क्लच लगी होती है, उस साइड में उसको दबाया, आपस में यहाँ ज्वाइंट नहीं होता, ये जो चीज यहाँ ज्वाइंट करती है दोनों को आपस में, यहाँ क्लच रहती है वो दोनों को ज्वाइंट करती है, जैसे ही हमने क्लच को छोड़ा तो यहाँ से आकर ये अपने ग्रुप से ग्रुप मिल जाएगा, ये दोनों पार्ट होते हैं आपस में ग्रुप मिल जाएंगे दोनों के, क्रैंक सॉकेट के यहाँ फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है तो आपस में क्या हो जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, ये क्या हो गया फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील से यहाँ पे ग्रुप या पीछे भी एक ऐसा ही ग्रुप मिला हुआ फ्लाईव्हील टाइप का ही रहता है, तो जैसे ही हमने क्या किया इसको क्लच को पुश किया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और क्लच को छोड़ा, क्लच को छोड़ते आपस में चिपक जाएंगे, चिपकने का मतलब इसमें ग्रुप होते हैं एक दूसरे में, वो ग्रुप
उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, ये भी पीछे वाला सिस्टम राउंड करने लगता है। फिर कितनी स्पीड से राउंड करवाना है, वहाँ गियर का काम होता है। गियर को अगर जितने नंबर पे हम डालते हैं, अंदर क्या लगाती है, जो ग्रारी सिस्टम होता है वो बड़ा छोटा बड़ा इस टाइप से होता है। जिस स्पीड से हमें चलाना है तो उतने नंबर की ग्रारी पे वो वर्क करने लगता है। जितनी स्पीड ज़्यादा चलनी है तो बड़ी वाली पे वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पीटीओ का काम अलग होता है। पीटीओ या लिफ्ट सिस्टम काम किससे चलता है, हाइड्रोलिक रिमोट सिस्टम से चलता है। इसमें जो ऑयल होता है, ऑयल प्रेशर से ये काम करते हैं सारे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आज हम बात अभी बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फार्म पावर। फार्म पावर पे कौन कौन सी सोर्सेज से हमें जो पावर जनरेट होती है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। कुछ सोर्सेज हमने एक दो डिस्कस कर लिए, एनिमल का कुछ डिस्कस किया था, इंजन से जो पावर जनरेट होती है उसको बिल्कुल हमने डिस्कस किया। एक दो और बचे हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल कमेंट करके बताते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात करते हैं सोर्स की। तो फर्स्ट अगर सोर्स की बात करें, विंड सोर्स, जहां विंड चक्की आपने मील देखी होंगी, विंड चक्कियां आपने देखी होंगी। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपको ये देखने सीकर में बहुत देखने को मिल जाएंगी। सीकर में तो मैंने भी देखा है, जो पर्वत है, भैरव पर्वत है, जीन माता पर्वत है, वहां पे आप खूब देख सकते हैं विंड मील, आप बहुत देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं विंड मील में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितनी स्पीड ऑफ विंड की रिक्वायरमेंट होती है, और कितनी स्पीड से ज़्यादा उसको विंड को नहीं चलाना चाहिए, ये कह सकते हैं कि विंड के कितने पार्ट होते हैं, किस टाइप की विंड होती हैं, टाइप ऑफ विंड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें विंड एनर्जी, हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की। देखिए विंड एनर्जी में कितनी विंड की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्पीड कितनी होनी चाहिए विंड को, अगर विंड जो मील होती है उसको चलने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लखनऊ ही है जी। हाँ बिल्कुल, जो भी लगनी है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। और जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, टेंशन मत लो कि एग्जाम कब होगा। जैसे ही एक डेढ़ महीने में ये खत्म हुआ, प्रॉब्लम जो क्रिटिकल कंडीशन है वो नॉर्मल हुई, उसके बाद में सब नॉर्मल, एग्जाम ही होना है उसके बाद। तो आप प्रिपेयर करके रखिए, और ये सबसे बेस्ट टाइम है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं या कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, ना तो उनके पास फैसिलिटी है टीचिंग करवाने की, या फिर स्टूडेंट अपने आप में मजे ले रहे हैं तो पढ़ भी नहीं रहे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे। तो सबसे बेस्ट टाइम है, आपको टाइम मिल रहा है, यहाँ गाइडेंस मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइजेशन कीजिए और आपको सक्सेस होना है। हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीड की। एनर्जी जनरेटेड विंड किसके द्वारा जनरेट की जाती है, विंड में विंड मील के द्वारा जनरेट की जाती है। अब बात करते हैं विंड स्पीड रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार, 16 किलोमीटर पर हॉर्स, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 16 किलोमीटर कम से कम कितना रिक्वायरमेंट होता है, 16 किलोमीटर कम से कम रिक्वायरमेंट होता है स्पीड, जो विंड की स्पीड, तब वो क्या चलेगी, विंड जो मील होती है, जो पंखे होते हैं उसके, वो वर्क करना स्टार्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, पहले आपको विंड पे लेकर चलता हूँ, कौन कौन सी चक्कियाँ होती है। यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला देखा है आपने या सेकेंड वाला, कमेंट करके बताइए कौन सा वाला देखा है। ये फर्स्ट, ये कौन सा विंड मील है, ये फर्स्ट इसको दे दिया जाता है, मैं ये कहता हूँ इसको ये सेकंड नंबर का है। आपने फर्स्ट वाला देखा है या सेकंड वाला, कौन सा देखा है? ये आपने इस, ये एक टाइप का ये होता है, दूसरा टाइप का इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस ये इस तरह, इसके जो फैंस होते हैं, पंखे जो इसको होते हैं, ये पंखे लगे हुए होते हैं, पंखे राउंड किस तरह करते हैं, इस तरह राउंड मारते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे, देखने से पता चल रहा है किस तरह राउंड मारते हैं। जब ये राउंड मारते हैं, यहाँ इनमें सोपट होती है, जिसको वर्टिकल सोपट ये कहा जाता है, ये क्या होती है, रॉड होती है, एक सोपट होती है। यहाँ पे क्या होता है, जनरेटर होता है, ट्रैक्टर के पीछे जनरेटर जो लगता है
बिल्कुल आपने देखा होगा ट्रैक्टर शादियों में जितने लोग गए हैं उन्होंने बिल्कुल देखा होगा, एक जनरेटर चलता है। जनरेटर का काम क्या होता है, इंजन जनरेटर को राउंड करता है, घुमाता है, घुमाने के बाद में वो इलेक्ट्रिक लाइट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे भी बिल्कुल ये है आरपी सर की, आरपी सर की क्लास बस अभी लगेगी, इसके बाद में सर भी रेडी है। हाँ जस्ट इसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद में लगेगी, सुपरवाइजरी ले रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कैसे जो जनरेट होता है, नीचे क्या लगा होता है इसमें, जनरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों के नीचे दोनों में ही जनरेटर लगा होता है। और जनरेटर का काम क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा जनरेटर लगा हुआ है। ये कौन सा होता है, इसको हॉरिजॉन्टल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल भी जो आप देख रहे हैं किस तरह पंखे लगे हुए होते हैं, दोनों में जनरेटर दोनों में लगा होता है। इसकी बात करें इसमें भी जनरेटर, जनरेटर में ना तो लाइट जनरेट ही नहीं होगी। जनरेटर को घुमाने का काम की बात करें, राउंड कौन देता है, वो ये पंखे देते हैं। पंखे किससे चलते हैं, हवा से चलते हैं। हवा की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम की बात करें तो 10 से 16 आपको मिल जाएगा, 15-16, लेकिन मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अगर होगी तो विंड जो मील होती है वो प्रॉपर चलेगी, मतलब प्रॉपर लाइट जनरेट करेगी। अदरवाइज 10 पे भी वो राउंड मारने लगती है, उससे कम होती है स्पीड हवा की तो नहीं चलती। अगर अच्छी की बात करें तो कितना, 40 से 50 अगर किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड से विंड चल रही है तब तक तो अच्छा खासा प्रोड्यूस करती है लाइट। अगर इससे ज़्यादा पहुँच जाती है, कह सकते हैं 90 किलोमीटर पर आवर्स पहुंच जाए, तो हमें क्या कर देना चाहिए, विंड को बंद कर देना चाहिए। इसको क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने की वजह से ये घूमेंगी नहीं। क्यों, अगर लॉक नहीं किया तो हाई स्पीड से अगर विंड चलती है तो पंखे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फास्ट में ऊपर है, किसकी फास्ट में ऊपर की बात कर रहे हो, क्लियर क्लियर मेंशन कीजिए। आकाश क्लियर बोलिए, किसकी बात कर रहे हो, अच्छा फर्स्ट की बात कर रहे हो, हाँ फर्स्ट की, फर्स्ट ये वाला की बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखा होगा, ये राजस्थान में खूब देखने को मिलता है। और सेकंड वाला ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और यूज भी वही होता है हॉरिजॉन्टल, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो कितना स्पीड होना चाहिए, मिनिमम स्पीड की बात करें, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मिनिमम विंड की स्पीड में। विंड में ज़्यादातर अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये सुपरवाइजर में पूछ सकता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है तो हो सकता है पूछा जा सकता है, बाकी इसमें इंजीनियरिंग नहीं है सुपरवाइजर में। यहाँ पे विंड की स्पीड की बात करें तो मिनिमम 10 से 16 किलोमीटर पर आवर्स। हम बात करें स्ट्रॉन्ग विंड जिससे हाई पावर जनरेट की जा सकती है, वो होती है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर और भी हम बात करते हैं इससे ज़्यादा तो स्टॉप विंड मील कब स्टॉप कर देनी चाहिए, जब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा अगर हवा चल रही है तो हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, इम्पोर्टेंट की बात करें स्पीड, मिनिमम कितनी स्पीड रिक्वायरमेंट है, 16 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, बात करते हैं टाइप ऑफ विंड मील, दो टाइप की होती है, वर्टिकल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकल एक्सिस होता है, वहाँ पे जो रोड होता है वो वर्टिकल घूमता है, इस तरह घूमता है, एक होता है, एक का घूमने का हॉरिजॉन्टल घूमता है। तो द रोटेशन ऑफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें कौन वर्टिकल में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में, अगर मैं पेन को इस तरह घुमा दिया जाए इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसी तरह घूमता जा रहा है एक ही जगह से तो उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एकदम खड़ी डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ घूमती है तो वो बोला जाता है परपेंडिकुलर, खड़ी डायरेक्शन में घूमती है। यहाँ पे उसके पंखड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ नॉलेज लेनी बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आपको हर जगह काम में आती है, इंजन के पार्ट्स कहीं पर आप जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, सुपरवाइजर वाले भी तो नॉलेज ले सकते हैं, गाड़ी खराब हो गई, ट्रैक्टर खराब हो गया, कब क्या हो सकता है, तो ये तो लाइफ का पार्ट है, बिल्कुल नॉलेज ले सकते हो आप। हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल के टाइप्स में की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, इसमें पैरेलल घूमता है, जो एक्सिस होता है मतलब धुरी जो बोलते हैं वो पैरेलल घूमती है। हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, मल्टी ब्लेड होते हैं, एक से ज़्यादा जिसमें ब्लेड, एक तो नहीं जिसमें दो से ज़्यादा ब्लेड हो, एक में दो ब्लेड होती हैं, एक में तीन या चार ब्लेड्स होती हैं, तो मल्टी ब्लेड्स वाली होती है, एक सेल टाइप होती है, अगर थर्ड की हम बात करें तो प्रोपेलर टाइप की होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है, प्रोपेलर टाइप विंड मील यूज मोस्टली, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा या मोस्टली कौन सी विंड मील यूज़ की जाती है,
प्रॉपलर टाइप विंड मील मैक्सिमम यूज़ की जाती है, और प्रॉपलर कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। और हमने बात की राजस्थान की सीकर में सबसे ज़्यादा कौन सी विंड मील है, हॉरिजॉन्टल, और उसमें प्रॉपलर सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। ठीक है, समझ में आया, हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पार्ट को। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, पहले वाले का किसी ने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, प्लीज़ जल्दी कीजिए, ले लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले का, इसका भी आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पावर की, सोलर पावर की, ये भी इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस में। इसमें से सोलर पावर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और वो जो 16% में, वो आईबीपीएस का ही बता रहा हूँ, आईबीपीएस में ये 15 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ बात करते हैं सोलर एनर्जी की, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर बात करें, सन का टेम्परेचर कितना रहता है, आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन 6000 केल्विन में अगर इसको डिफाइन किया जाता है, 6000 डिग्री केल्विन। हाँ, हम बात कर रहे हैं अपकमिंग रेडिएशन जो रेंज होती है, मतलब जो सूर्य से जो सन रेंज वो रेडिएशन जो आती हैं, वो रेंज कितनी रेंज पे होती है, उनकी बात करें। मिनिमम रेंज होती है 0.4 mm। इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बना है आपके एग्जाम में, पिछली बार भी आया हुआ है, लास्ट अगर 19 की बात करें, 19 में भी एग्जाम है। रेडिएशन से हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन आए, और फॉरेस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले रेंज की, हम बात करते हैं रेंज कितना होता है, 0.4 mm से लेकर कितना रेंज होगा, 2.6 mm मैक्सिमम ये होता है अर्थ पर जो आने वाला, कहाँ से, सूर्य से जो रेन वो आती है, रेज जो आती हैं उनका, जो अगर साइज की बात की जाए तो साइज कितना होता है, पार्टिकल जो साइज की बात करें, 0.4 mm से 2.6 mm, ये मिनिमम हो गया 0.4, मैक्सिमम हो गया 2.6। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप में उनको सेपरेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, आपने बार बार सुना होगा अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन से बचना है, बार बार आपने सुना होगा, तो आज उसी की बात करते हैं। अल्ट्रा वॉयलेट जो रेडिएशन होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है, लेस देन, यहाँ पे क्या है, लेस देन 0.4 mm, mm का यहाँ मतलब होता है 0.4 mm, mm का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ मैं और बता देता हूँ, हमेशा रेडिएशन के जो पार्टिकल जिसको कह सकते हैं उनको किस में मेजर किया जाता है, उसको ऑलवेज मीटर में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ICR का क्वेश्चन है, उसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। तो अब मीटर तो बोल नहीं सकते, तो फिर मीटर की भी और यूनिट्स होती हैं, माइक्रोमीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे किस में मेजर करते हैं, हमेशा माइक्रोमीटर में, mm में यहाँ पे इसको मेजर किया जाएगा। हम बात करें विजिबिलिटी की, जो हमें जिसमें हमें दिखाई देता है ये कह सकते हैं, तो वो कौन सी होती हैं, 0.4 से 0.7 mm। थर्ड अगर बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करते हैं, तो मोर देन 0.7 mm, कितनी, मोर देन 0.7 mm क्या हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं सोलर सेल से, पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं हम, जो एग्ज़ाम में आई हुई है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर विजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो आपने रिमोट सेंसिंग पढ़ा होगा, कौन किसका पार्ट है रिमोट सेंसिंग, सोयल साइंस में भी है, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें प्री पीजी वालों के लिए तो ये पार्ट किस में भी है, फॉरेस्ट मैंचुरेशन में, ये वाला पार्ट है रिमोट सेंसिंग, फॉरेस्ट का जो सिलेबस है उसमें रिमोट सेंसिंग पार्ट है। अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, वहाँ से जो पिक्चर ली जाती हैं, पिक्चर लेने के बहुत से मेथड्स होते हैं, सैटेलाइट में कैमरे लगे हैं, सैटेलाइट के थ्रू सेंसर्स लगे होते हैं, वहाँ पे मज़ा आ गया तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मज़ा आ गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जो सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स किस बेसिस पे काम करते हैं, सेंसर्स जो यहाँ पे सेंसर किस, या तो देखिए सेंसर हम जैसे सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ये किस बेसिस पे काम करते हैं, सेंसर बेसिस पे काम करते हैं। जो ऊपर रिमोट सेंसिंग में जो कैमरे लगे हुए होते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए, किस में, सैटेलाइट में जो कैमरे लगे हुए रहते हैं वो भी किस बेसिस पे काम करते हैं, रिमोट इस पे रेडिएशन बेसिस पे वर्क करते हैं।
तो इनकी रेंज बेसिस पे वर्क करते हैं, कितनी रेंज होती है तो वो वर्क करेंगे। आपने देखा होगा एक्सरे लिए लिए जाते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, मोटी पार्टी साइज क्या होती है उनकी, मोटी होती है, किसकी, रेडिएशन की। इसलिए एक्सरा सिर्फ क्या दिखता है, उसमें मेन मेन चीज़ें ही दिखती है। एक दूसरी बात करें सीटी स्कैन की, सीटी स्कैन में बारीक से बारीक आपको सेल दिख जाएगी। किसी में अगर कैंसर है तो कैंसर किस में होता है, सेल में होता है। सेल को कैसे पता करें, सेल तो अपने आप में बहुत बारीक होती है, उसको कैसे पता किया जाता है, उसको एक जो रेडिएशन होती है, कौन सी वाली रेडिएशन से पता किया जाता है, उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसको कहते हैं, गामा जिसको किरणें हम कहते हैं, उसका यूटिलाइज किया जाता है वहाँ पे। डिफरेंट जो किरण रेंज होती है, वो रेंज कौन सी होती है, लेस देन 0.4 से भी कम होती है, उस रेंज को किस में यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर अगर सेल को फाइंड आउट करना है, या फिर ये कह सकते हैं जैसे अभी भी पेशेंट की इसकी बात करें, कोविड के पेशेंट होते हैं, उनकी सीटी स्कैन होती है। एक तो होता है एक्सरा, एक्सरा से पता कर लिया जाता है कि हाँ इसको कोविड है या नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे इन्फेक्शन है या नहीं, इसके लंग में इन्फेक्शन है या नहीं, तो एक तो होता है एक्सरा। एक्सरा क्या करता है, एक ओवरव्यू देता है, डीपली नहीं जाके बताता हो, तो एक्सरे से पता चल भी सकता है या नहीं भी। अगर उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो इसका पता नहीं कर सकते, या हमें पर्टिकुलर हर एक सेल को देखना है, वहाँ पे हर चीज़ बॉडी में किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, हर एक सेल को देखना है, तो किसका यूज़ करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन में क्या होगा, जो रेज यूज़ की जाती हैं, रेडिएशन जो ये यूज़ की जाती है, उनका साइज बहुत ही कम होता है, तो वो हर चीज़ को ईजिली भेज सकती हैं। अगर जिनका बहुत, एक मान लीजिए हम कह सकते हैं सुई होती है, उससे किसी चीज़ को भेजते हैं तो इजीली हम अंदर भेज सकते हैं। एक होता है उससे बड़ा कांटा जो मान सकते हैं लोहे का ही मान लीजिए, उससे अगर यहाँ पे चुबाना होता है तो इजीली नहीं चुभता। सेम ऐसे ही वर्क करता है। राकेश मजाक मत कीजिए, कोरोना से डर लग रहा है। किस चीज़ का डर लग रहा है, कोरोना क्या कर लेगा, आएगा ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे भी सर लोगों को हो चुका है, मुझे भी हो चुका है, सब लोग ठीक हो गए, प्रॉपर क्योर करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विजिबिलिटी की, वो चीज़ छोड़ते हैं, बात कर रहे थे सेंसर्स की, जो किस में लगे होते हैं, रिमोट सेंसिंग वाले पार्ट को भी डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। आपने एक क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में बहुत पूछा जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है, या लीफ के टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, किसे, इंफ्रारेड रेडिएशन से। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे अगर कहीं फॉरेस्ट एरिया में आग लग जाती है, तो इंफ्रारेड का मतलब होता है ये जो सबसे ज़्यादा गर्मी वाली रेडिएशन होते हैं, जहाँ आग लग गई तो सेंसर इसको एब्जॉर्व कर लेता है। कौन सी को, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है आग लगने से, कौन सी रेडिएशन निकलती है, इंफ्रारेड, तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है कि हाँ इस वाले पार्ट में क्या लग गया, आग लग गई है, उसको सेंसर इजीली एब्जॉर्व कर लेता है। फोटो जो हम लेते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं, वो विजिबिलिटी वाले पार्ट से लेते हैं, मतलब सेंसर कौन से वाले यूज़ किए जाते हैं, जिनमें रेडिएशन 0.4 से 0.7 वाले। अब इसको कभी और कभी डिस्कस करेंगे डीपली। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की, विजिबल रेडिएशन होती है, साइज़ क्या होती है, 0.4 to 0.7। हम दूसरे की बात करें इंफ्रारेड रेडिएशन की, जिससे लीफ के टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है, और वो क्या होती है, 0.7 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 0.7 mm। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेलर, जो सोलर सेल्स की, जिससे पावर जनरेट किया जाता है, आजकल हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, घर पे भी यूज़ करते हैं लाइट के लिए, या और किसी अगर पार्ट की बात करें, आजकल तो इसे जनरेट करने के लिए, या कार वगैरह की जो बैटरी होती है वो भी रिचार्ज की जा रही है, बहुत से यूजेज हैं, ट्यूबवेल वगैरह चलाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या यूज होता है, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें जितनी परसेंट, मान लीजिए 100% क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, उसका कितना परसेंट ये यूटिलाइज करता है, 10% यूटिलाइज करता है। 100% सूर्य से क्या आ रही है, रेडिएशन कितनी आ रही है, 100%, उसमें से ये कितना परसेंट यूज कर लेगा, इसका 10% यूज़ कर लेगा, बाकी तो ये भी यूज़ नहीं कर पाता। तो जो प्लेट्स होती हैं, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती हैं प्लेट, वो क्या कर लेती हैं, 10% रेडिएशन को यूज़ करके उससे लाइट पैदा करती हैं, डीसी जो लाइट होती है उसको पैदा करती हैं। तो हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, 10%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, नेक्स्ट चलते हैं। ले लिया, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट, यहाँ सोलर सिस्टम को दिखाया हुआ है, दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है, डिस्कस करें इसको। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, यहां लाइट दिखाई दे रही है,
यहाँ क्या लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये जो प्लेट्स लगी होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। इसमें सिलिकॉन की लेयर लगी होती है ऊपर, जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखती है तो वो क्या होती है, सिलिकॉन, उसमें सिलिकॉन होता है। अब ये क्या करते, फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है, फोटोन जो निकल किससे, सन से जो रेडिएशन से निकलने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोटोन, जिससे लाइट जनरेट होती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं फोटोवायलेट सेल्स कन्वर्ट क्या करती हैं, सनलाइट को, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करती हैं, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस अफेक्ट इज नोन एज फोटोवायलेटिक इफेक्ट्स। ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ फोटोवायलेटिक इफेक्ट्स। दूसरी बात करें, सोलर सेल्स एसेंशियली क्रिएट, क्या क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग फोटोन। किन को कन्वर्ट करती हैं, फोटोन को। कहाँ से प्रोवाइड होता है फोटोन, जो सन रेज होती है वहाँ से हमें क्या प्रोवाइड होता है, फोटोन प्रोवाइड होता है, फोटोन मिलता है। फोटोन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करती हैं, और इलेक्ट्रॉन से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या क्या क्वेश्चन बना, फोटोन, फोटोन किससे हमें मिल रहा है, सन रेज से, और वो कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन से क्या जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अगर दूसरी की हम बात करते हैं क्वेश्चन की, सोलर सेल्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, डीसी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो हम डायरेक्ट करंट से, यहाँ पे दो चीज़ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे पास में जो लाइट होती है, बल्ब वगैरह होते हैं या टीवी वगैरह, वॉट एवर जो फैन होते हैं, वो दो तरह से काम करते हैं, एक डीसी से पे काम करते हैं, एक एसी पे काम करते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट होता है, एक होता है कौन सा वाला करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। तो हमारी जो लाइट आती है, कौन सी वाली लाइट आती है, ट्रांसफार्मर से जो लाइट आती है हमारे पास में, वो कौन सी लाइट होती है, वो एसी लाइट होती है। ठीक है, उसको, और इनके साथ में एक आपने देखा होगा इन्वर्टर लगाया जाता है, जहाँ पे भी ये प्लेट्स लगी होती हैं वहाँ पे एक इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। वो इन्वर्टर उस लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी में कन्वर्ट करके हम फैन वगैरह चला सकते हैं, या ट्यूबवेल वगैरह में, अगर कहीं पर ट्यूबवेल पर आपने देखा है, वहाँ पर ये क्या यूज़ नहीं होता, इन्वर्टर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता, तो वो मोटर ही कौन सी होती है, वो डीसी सिस्टम पर चलने वाली मोटर होती है। जब तक धूप है, जब तक उसको सन की लाइट मिल रही है, तब तक वो मोटर चलती रहेगी, जैसे ही लाइट कम, मोटर बंद। तो आप अब कह सकते हैं कौन सी लाइट पे चल रही है मोटर, अगर लाइट कम तो मोटर बंद, तो इसका मतलब कौन सी पे चल रही है, डीसी पे। इसके अलावा इन्वर्टर लगाकर, बैटरी वगैरह इन्वर्टर लगाकर, फिर उसको रात को भी यूटिलाइज अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, या एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो फुल फॉर्म का पता होगा, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट करंट का मतलब डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया, एसी। समझ में आया, हिंदी में नहीं है क्या, हिंदी में नहीं है, तो हिंदी में ही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में है, हिंदी में ही तो मैं बोल रहा हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके फॉरेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ में हमने बात की थी गामा रेज की, गामा रेज की साइज़ क्या होती है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने बात की थी जिनकी साइज़ बहुत कम होती है, जो एक्स्ट्रा वगैरह किससे लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, एक चीज़ देखो मैं नोट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, हम इस पर फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे डीपली। यहाँ पे एक बार साइज़ देख लीजिए आप, माइनस में इसका साइज़ कम है, बहुत बारीक साइज़ है, इसलिए हम जो क्या करवाते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, इसमें ये वाले पार्ट्स होते हैं, बाकी वाले एक्स्ट्रा वगैरह में पार्ट ज़्यादा होते हैं, तो इससे उसको क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में क्लियरिटी नहीं दिखती है किसी चीज़ की, वो तो इनिशियली एक कम रेंज में हम क्या लेते हैं, उसका किसी पार्ट का फोटो लेते हैं, हड्डियाँ वगैरह का। सर सर बहुत बढ़िया सर, मज़े में हैं, आप लोग बताइए आप कैसे हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करने कर रहे हैं, तो बात करें बायोगैस, बायोगैस प्लांट को आप भी जानते होंगे, बायोगैस प्लांट में क्या होता है,
बायोगैस प्लांट में क्या होता है वो जानते होंगे, देखा होगा आपने बिल्कुल, एक बड़ा सा टंकी होता है, उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास में वेस्ट होता है चाहे गोबर हो चाहे घास फूस हो, उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, एक क्वांटिटी में उसमें पानी डाल दिया जाता है, वो जब सड़ने लगता है बैक्टीरिया के द्वारा सड़ने लगता है तो उसमें क्या होती है गैस प्रोड्यूस होने लगती है, और उस गैस को क्या करते हैं हम लाइट या एनर्जी के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कह सकते हैं एनर्जी या इंजन चलाने के लिए, दैट मींस एनर्जी के लिए, पावर जनरेट करने के लिए उस गैस को यूज किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, इससे पहले हम इसको देखते हैं होता कैसा है, ये आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है। बीएससी वाले हैं तो इन्होंने देखा भी होगा, जो सुपरवाइजर के हैं उन्होंने भी देखा होगा, नहीं देखा तो यहां देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम फिर वो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसमें। इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, वाटर वगैरह या डंक वगैरह जो कैटर गोबर वगैरह होता है वो फिल करते हैं। ये वाला पार्ट देखिए नीचे है, ये वाला पार्ट ऊपर है, उसमें गोबर वगैरह डाला जाता है। जैसे ये डालने के बाद में यहाँ पे आता है तो यहाँ सड़ने लगता है, सड़ने की वजह से क्या होता है गैस बनती है, इसको बायोगैस यहाँ कलेक्ट हो जाती है, ये ऊपर जाते हुए जो गैस है वो ऊपर जाकर एक टंकी, ये पाइप होती है, पाइप के थ्रू इसको क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, जो भी चीज़ हमें जलानी होती है या कि इंजन में डायरेक्ट भेजकर इंजन से पिस्टन में क्या पावर जनरेट की जाती है, व्हाटएवर जो भी हमें करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सड़ा हुआ जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे आकर इसमें इकट्ठा होने लगता है। जैसे ये ऊपर का पार्ट है, इसमें ऊपर से डालते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर लगकर ये मिक्स होने के बाद यहाँ पे आने लगता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बायोगैस में। देखिए बायोगैस की अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने रेशियो में गोबर और वाटर मिलाया जाता है, ये सबसे पहले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 1:1 रेशियो में मिलाया जाएगा। यहाँ पर क्या है 4:5, ये भी रेशियो हो सकता है, मतलब ये भी एवरेज की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होता है, दोनों इक्वली होते हैं। 4 पार्ट किसके मिलाए जाते हैं गोबर के, 5 पार्ट किसके मिलाए जाएंगे पानी के, या कह सकते हैं आधा पानी और आधा गोबर और आधा पानी गोबर कह सकते हैं, या जो भी वेस्ट यूज करते हैं वो कह सकते हैं। फिर इसके बारे में बात करते हैं मैक्सिमम अगर कौन सी गैस निकलती है, मैथेन, इसमें मीथेन निकलती है 45 से 70%, और यही मीथेन ही जलने वाली गैस होती है। कौन सी गैस होती है जलने वाली, मीथेन। आकाश बिल्कुल 1:1 या 4:1 ये रेशियो, या सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी प्रोड्यूस गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो बायोगैस में जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। सेकंड जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है 30-35%। समझ में आया, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। कल बहुत कम लाइक मिले थे, उस कल लग रहा था कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, या तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा या वो इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाह रहे इस चीज़ को। तो कमेंट जब तक नहीं आएगा, व्यूज बहुत ज्यादा थे, कमेंट बहुत कम थे, कल तो बहुत ही कम कमेंट थे। मैं मानता हूं सुपरवाइजर में नहीं आता, लेकिन देख के जा रहे हो तो क्लास को जस्ट तो कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं इसमें से, हाँ टाइम हो गया, एक मिनट और लेंगे। टेम्परेचर की बात करते हैं, देखो इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस, ये 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं इसका पीएच कितना होना चाहिए, मतलब अगर प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर पीएच रहता है तभी सबसे ज़्यादा लाइट जनरेट, वो पावर जनरेट होता है, ये कह सकते हैं गैस जनरेट होती है कौन सी, मीथेन। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर पीएच होना चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सलरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सलरी, नीचे जो अंदर जो आधा पानी और आधा जो गोबर होता है सड़ने के बाद भी जो निकलता है उसको सलरी बोलते हैं, उसका पीएच 7 से 8। हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, कितना वैल्यू होता है उसका, 4500 किलोग्राम कैलोरिक पास सेंटीमीटर मीटर क्यूब में आएगा, ये किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। इसके अलावा अगर थर्ड फोर्थ को हमने डिस्कस कर लिया इंजन, और फिफ्थ को हमने डिस्कस कर लिया एनिमल, तो कहाँ कहाँ से पावर जनरेट होती है, रिसोर्सेज ऑफ फार्म एनर्जी की बात किया जाए, विंड को हमने डिस्कस किया, विंड के बाद में हमने किसको डिस्कस किया, सोलर एनर्जी को डिस्कस किया, इसके अलावा हमने बायोगैस को डिस्कस किया, इंजन को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और एनिमल को डिस्कस कर लिया। तो हमने सबको डिस्कस कर लिया जहाँ पे पावर जनरेट कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कल मिलते हैं फिर से, बाय।